नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। 55 साल बाद भारत बांग्लादेश के बीच चलेगी ट्रेन, 17 दिसंबर को पीएम मोदी हसीना करेंगे उद्घाटन। गोरखपुर में दीक्षा भवन में पूर्वांचल के विकास पर संगोष्ठी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित, कहा पूरी दुनिया भारत का अनुसरण कर रही। देश में कोरोना के 30,000 से कम नए मामले, लेकिन नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला, 24 घंटे में 414 जाने गई। कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में जुटा विश्व, भारत पर कई देशों की निगाह। एलओसी पर पाकिस्तान ने की फायरिंग, भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के पास सैनिक ढेर। किसानों की मांग को लेकर कृषि मंत्री और रेल मंत्री ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर कहा इसे जरूर सुने। किसानों का नया ऐलान, देश भर में रोकेंगे ट्रेन, अमृतसर से 700 ट्रालियों में किसान आ रहे दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची किसानों की लड़ाई, बीकेयू ने कानून के खिलाफ दायर की याचिका। किसानों के मसले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, ट्वीट कर लिखा भाजपा सरकार पोषण करने वालों का शोषण करना बंद करे। सिंध बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR। किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और महामारी एक्ट धाराओं के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 16वां दिन, किसानों ने आंदोलन को और भी तेज करने का दिया अल्टीमेटम। किसानों के रोड ब्लॉक के ऐलान के बाद एक्शन में पुलिस, दिल्ली जयपुर हाईवे पर तैनात होंगे 2000 जवान। पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान बढ़ा, राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को भेजी कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्रालय को लिखी रिपोर्ट में किया जिक्र, जेपी नड्डा और अन्य बीजेपी नेताओं की सुरक्षा में थी कमी। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की जुबानी जंग, बीजेपी नेता सैमतम बसु ने दिया विवादित बयान। बंगाल की सियासी लड़ाई में शोले का डायलॉग, बीजेपी नेता बोले एक मारोगे तो चार मारेंगे। मुख्तार अंसारी के करीबी मिराज अहमद पर धाराएं कम करने पर दरोगा लाइन हाजिर, विवेचना दूसरे को गई सौंपी। लखनऊ पशुधन घोटाला मामले में IPS अरविंदर सेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, केस के विवेचक ने अदालत में लगाई थी अर्जी। RRB ने 15 दिसंबर से होने वाली परीक्षा के लिए जारी की गाइडलाइन, डिजाइनर मास्क या गमछे बांधने वाले को नहीं मिलेगी एंट्री। MP और राजस्थान में 2 दिन बारिश के आसार, पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते अगले हफ्ते बढ़ेगी ठंड। अभिनेत्री कंगना ने किया भारत बंद का विरोध, कहा प्रियंका दिलजीत किसानों को कर रहे हैं गुमराह। बिहार के स्टूडेंट ने पेरेंट्स की जगह लिखा इमरान हाशमी, सनी लियोनी का नाम, एक्टर बोले मैं कसम खाता हूँ ये मेरा बेटा नहीं। मिका सिंह बोले लॉकडाउन के चलते पिछले 8 महीने से नहीं मिला कोई काम, अब पप्पी सॉन्ग को थिएटर में चाहता हूँ देखना। विराट कोहली ने मैरिज एनिवर्सरी को लेकर सोशल मीडिया पर पत्नी अनुष्का के साथ की फोटो शेयर, लिखा 3 साल और जीवन भर का 1 साल। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।